हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टीम क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का एक सबसे महत्वपूर्ण निबंध विज्ञान वरदान या अभिशाप, उसको आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगी ताकि आपको फटाफट से याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करेंगे। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, कहने का मतलब है कि विज्ञान जो है वो वरदान है या फिर अभिशाप है, यानी हमारे लिए वरदान एक साबित हो सकता है या फिर अभिशाप यानी एक अभिशाप यानी कह सकते हैं मतलब बुरा वो साबित हो सकता है। ठीक है, तो प्रस्तावना देखते हैं। सबसे पहले विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। जो विज्ञान है आज ईश्वर की भांति, किसकी भांति? ईश्वर की भांति। ठीक है, ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ विज्ञान ना हो। कह रहे हैं कि विज्ञान जो है आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी यानी हर जगह हो गया है। ठीक है, और मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ जो है विज्ञान ना हो। ठीक है, मानव सुविधाओं के लिए, सुख सुविधाओं के लिए विज्ञान ने क्या नहीं किया? मनोरंजन के सुलभ साधन, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, सिनेमा, ये सभी उपकरण विज्ञान की ही देन है। ओके, जो मानव है, मानव सुख सुविधाओं के लिए जो विज्ञान है उसने क्या नहीं किया? उसने मनोरंजन के लिए सुलभ जो साधन है जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, सिनेमा, ये सभी जो है ये उपकरण आसानी से उपलब्ध किसने करवाया? विज्ञान ने। ठीक है, तो ये किसकी देन है? विज्ञान की देन है। ओके, विज्ञान की बदौलत आज सभी का जो जीवन है वो रंगीन हो गया है। ठीक है, विज्ञान की बदौलत आज सभी का जो जीवन है रंगीन हो गया है, क्योंकि विज्ञान ने हमें टेलीविजन, रेडियो, ये सभी जो है ये बड़ी ही आसानी से उपलब्ध करा दिए हैं। ये सभी विज्ञान की ही देन है। ठीक है, तो प्रस्तावना कितना ज़्यादा सुंदर है, मतलब कितना अच्छा लिखा गया है, और इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि विज्ञान आज ईश्वर की ही भांति सर्वव्यापी हो गया है। मतलब कि विज्ञान आज ईश्वर की भांति सभी जगह हो गया है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ जो है विज्ञान ना हो। ठीक है, मानव सुख सुविधाओं के लिए विज्ञान ने क्या नहीं किया? मनोरंजन के लिए सुलभ साधन, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, सिनेमा, ये सभी उपकरण जो है विज्ञान की ही देन है। विज्ञान की बदौलत आज सभी का जो जीवन है वो रंगीन हो गया है। ठीक है, ये होगी प्रस्तावना की बात, और प्रस्तावना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिखा गया है और इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। ठीक है, अब हमें छोटे छोटे पॉइंट आगे देखने हैं कि जैसे विज्ञान वरदान है या विज्ञान हमारे लिए अभिशाप है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि विज्ञान वरदान है। आधुनिक विज्ञान ने मानव सेवा के लिए अनेक प्रकार के साधन जुटा दिए हैं। ठीक है, जो आधुनिक विज्ञान है, इस समय का जो साइंस है, वो मानव सेवा के लिए अनेक प्रकार के क्या क्या है साधन जुटा दिए हैं। ठीक है, पुरानी कहानियों में वर्णित अलादीन का चिराग आज मामूली और तुच्छ सा जान पड़ता है। ठीक है, पुरानी जो कहानियां हैं, पुरानी कहानियों में वर्णित अलादीन का चिराग यानी मतलब पुरानी कहानियों में जो अलादीन का चिराग है, जो वर्णित कहानी है, प्रसिद्ध जो कहानी है, आज मामूली और तुच्छ जान पड़ता है। ठीक है, किसके आगे? विज्ञान के आगे। अलादीन के चिराग का दैत्य जो काम करता था, मतलब कि अलादीन के चिराग या फिर आप कह सकते हैं जिन जो काम करता था, उन्हें विज्ञान बड़ी सरलता से कर देता है। यानी कि अलादीन के चिराग का जो दैत्य था, जिन भी आप कह सकते हैं जो काम करता था, वो काम आज विज्ञान जो है बड़ी ही सरलता से कर देता है। जैसे कि रातों रात महल बनाकर खड़ा कर देना, ठीक है, आकाश मार्ग से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, आप तो जानते ही हैं। ठीक है, तो रातों रात महल बनाकर खड़ा कर देना, आकाश मार्ग से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, विज्ञान मानव जीवन के लिए महान वरदान सिद्ध हुआ है। ओके, तो ये थे विज्ञान वरदान है। ठीक है, कि आधुनिक विज्ञान ने मानव सेवा के लिए अनेक प्रकार के साधन जुटा दिए हैं। पुरानी कहानियों में वर्णित अलादीन का जो चिराग है आज मामूली और तुच्छ जान पड़ता है। अलादीन के चिराग का दैत्य जो काम करता था, उन्हें विज्ञान बड़ी सरलता से कर देता है। रातों रात महल बनाकर खड़ा कर देना या फिर आकाश मार्ग से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, विज्ञान मानव
विज्ञान मानव जीवन के लिए महान वरदान सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो विज्ञान वरदान है, ये विज्ञान वरदान है, इसकी बात हो गई। अब इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि विज्ञान वरदान है तो किस किस क्षेत्र में हो सकता है, तो जो जो क्षेत्र में हो सकता है आप उन क्षेत्र के पॉइंट डालकर सभी क्षेत्र के नाम लिखेंगे और उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि विज्ञान वरदान है, कैसे वरदान है, किस क्षेत्र में वरदान है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है संचार के क्षेत्र में। ठीक है, संचार के क्षेत्र में तो टेलीफोन, टेलीग्राम आदि द्वारा क्षण भर में संदेश पहुँचाए जा सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन द्वारा कुछ ही पलों में एक समाचार विश्व भर में फैलाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि विज्ञान के द्वारा टेलीफोन और टेलीग्राम आदि द्वारा, जो कि विज्ञान की ही देन है टेलीफोन और टेलीग्राम, इसके द्वारा क्षण भर में कोई भी संदेश हो, कोई भी मैसेज हो, वो पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, कहीं भी। और रेडियो और टेलीविजन द्वारा कुछ ही पलों में एक समाचार विश्व भर में फैलाया जा सकता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। ये कौन नंबर पॉइंट था, अब हम लोग खौ नंबर पॉइंट देखते हैं। ऐसे ही डालकर आपको भी लिखना है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा किस किस क्षेत्र में जो विज्ञान है वो हमारे लिए वरदान है। ये अब देखिए खौ नंबर पॉइंट है कि शिक्षा के क्षेत्र में, अभी तो संचार के क्षेत्र में बात हुई, अब शिक्षा के क्षेत्र में आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की सहायता से शिक्षा के प्रसार में बड़ी सफलता मिली है। कंप्यूटर के विकास ने तो इस क्षेत्र में क्रांति हिला दी है। ठीक है, तो ये शिक्षा की बात हो गई कि शिक्षा के क्षेत्र में खौ नंबर पॉइंट। अब हम अगला देखते हैं, अगला हमारा है गौ नंबर पॉइंट, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ है। ठीक है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधों को आंखें और अपंग को अंग मिलना जो है अब असंभव नहीं है। ठीक है, कि चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गया है और वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधों को आंखें, यहाँ पर आंखें रहेगा, ठीक है, अंधों को आंखें और अपंग को अंग जो है मिलना अब असंभव हो गया, मतलब कि नामुमकिन हो गया है। उन्हें अपंग जो है, जिनके पास मतलब कोई ना कोई अंग की प्रॉब्लम है, उन्हें अंग मिल जा रहा है आसानी से और अंधों को आंख मिल जा रहा है। ओके, चिकित्सा के क्षेत्र में। अब हमें घ नंबर पॉइंट डालेंगे आप, घ नंबर पॉइंट डाल के लिखेंगे दैनिक जीवन में। हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य विज्ञान पर आधारित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। बिजली के लिए पंखे, गैस स्टोव, फ्रिज आदि के निर्माण ने मानव को सुविधापूर्ण जीवन का वरदान दिया है। इन आविष्कारों से समय, शक्ति और धन की बचत हुई है। अब आपने लिखा कि संचार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, दैनिक जीवन में। ठीक है, अब आप और भी बहुत सारे क्षेत्र में जो विज्ञान है वो हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ है, जैसा कि मैं नीचे आपको लिखकर बता दे रही हूँ। अभी बहुत सारे क्षेत्र हो, जैसे परिवहन के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, खाद्यान्नों के क्षेत्र में विज्ञान ने हमारी सहायता की है। ठीक है, तो आप कितना लिखेंगे, तो इन्हीं सारे क्षेत्रों में विज्ञान ने हमारी सहायता की है और वरदान सिद्ध हुआ है। अब हमने विज्ञान वरदान है ये तो देख लिया पॉइंट, अब हमें देखना है विज्ञान अभिशाप। ठीक है, विज्ञान अभिशाप, तो वैज्ञानिक अभिशाप की अब बात करेंगे। तो वैज्ञानिक अभिशाप के रूप है, एक तो प्रत्यक्ष रूप है जो विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र से संबंधित है, टैंक आदि ऐसे अस्त्र जो पलक झपकाते ही लाखों जीवों जो है इसका संहार कर देते हैं। ठीक है, इनके कारण वायुमंडल भी दूषित हो जाता है। ठीक है, जिससे अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। वैज्ञानिक अभिशाप के अप्रत्यक्ष रूप के अंतर्गत कला और संस्कृति का हौस होता है, मतलब कि नष्ट होते हैं। ठीक है, लॉस होता है। वैज्ञानिक आविष्कारों की बदौलत अनेक प्रकार की मशीनें तैयार हुई हैं जो कम व्यय मतलब कि कम पैसों में, ठीक है, थोड़े श्रम यानी ज्यादा मेहनत ना करना पड़ता है और अल्प समय में अधिक मात्रा में वस्तुओं को, अल्प समय का मतलब है कि थोड़े ही समय में। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि वैज्ञानिक आविष्कारों की बदौलत अनेक प्रकार की मशीनें जो है तैयार हुई है जो कम व्यय, थोड़े श्रम और अल्प समय में अधिक मात्रा में वस्तुओं को तैयार कर देती है। इस प्रकार श्रमिक की जो निजी कला का जो हौस होता है, मतलब कि मशीन ही सारा काम कर देगी तो जो श्रमिक है वो क्या करेंगे, उनके पास जो कला है काम करने की वो तो सब बर्बाद हो जाएगा ना, तो उनकी रोजी रोटी पर भी अप्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव पड़ता है। देश में विलासिता की वृद्धि होती जा रही है, मनुष्य की आत्मनिर्भरता समाप्त होती जा रही है, वह मशीनों का गुलाम होता जा रहा है। ठीक है, दूसरी ओर श्रमिकों में बेकारी तो बढ़ती है, छोटे छोटे उद्योग धंधे समाप्त हो जाते हैं। समझ में आपको आया, ये है वैज्ञानिक अभिशाप। ठीक है, वैज्ञानिक अभिशाप। अब हमें देखना है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रस्तावना देखा, फिर हमने
विज्ञान वरदान है। देखा, और उसके कुछ पॉइंट की मतलब कि विज्ञान वरदान है किस किस क्षेत्र में वरदान है, संचार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इत्यादि और क्षेत्रों में, ठीक है। फिर हमने वैज्ञानिक अभिशाप देखा। अब हमें देखना है विज्ञान वरदान या अभिशाप, कि वास्तव में जो विज्ञान है वो अभिशाप है या वरदान है, ठीक है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। जैसे कि आप उपसंहार लिखते हैं और वहाँ पर उपसंहार में सभी का निष्कर्ष, मतलब जैसे कि आप उपसंहार लिखते हैं और उपसंहार का मतलब होता है सभी का निष्कर्ष, यानी जो कुछ भी अभी हमने ऊपर लिखा है उस सभी का निष्कर्ष निकल कर क्या आया है, उसी तरह इसमें हमें उपसंहार नहीं बल्कि हमें लिखना है विज्ञान वरदान या अभिशाप। इट मीन्स कि आपको बताना है कि विज्ञान जो है वो वरदान है या अभिशाप है, ठीक है। तो विज्ञान के विषय में उक्त दोनों दृष्टियों पर विचार करने के बाद यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है, मतलब कि विज्ञान के विषय में उक्त यानी जो ऊपर दी गई हैं दोनों दृष्टियों पर विचार करने के बाद से स्पष्ट हो जाता है कि एक और विज्ञान हमारे कल्याण का उपासक है तो दूसरी और विनाश का कारण भी। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि विज्ञान जो है हमारे विनाश का ही केवल कारण है, क्योंकि विज्ञान ने जो भी कुछ भी हमें दिया है वो हमारे ही फायदे के लिए दिया है ना, हमें उससे लाभ हो रहा है, लेकिन कुछ 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 विनाश भी हो रहा है, ठीक है। किंतु सारे विनाश के लिए विज्ञान को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। विज्ञान तो एक शक्ति है, ठीक है, जिसका उपयोग हमें करना है। अब उसका उपयोग हम चाहे जैसे करें, जैसे कि आगे लिखा है, जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरीके से कार्य के लिए किया जाता है। देखिए, विज्ञान जो है एक शक्ति है, ठीक है, विज्ञान एक शक्ति है जिसका उपयोग हमें करना है। अब वो उपयोग हम बुरे तरीके के लिए करें, बुरे कार्य के लिए करें या अच्छे कार्य करें, ये हम पर डिपेंड करता है, ठीक है। विज्ञान का इसमें कोई दोष नहीं है। आई होप सो कि जो मैं समझाना चाहती हूँ आपको समझ में आ गया हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको विज्ञान वरदान है अभिशाप हिंदी निबंध अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुँच सके और वो भी जो है विज्ञान वरदान या अभिशाप जो निबंध हिंदी निबंध इसे याद कर सके आसानी से, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।